आज मैं बना रही हूँ ढोकला, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना के तैयार कर सकते हैं, फटाफट से बन के तैयार होता है। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं, मिक्सिंग बाउल लेना है। इसके ऊपर एक छन्नी रखनी है और अब हम डालेंगे इसमें 1 कप बेसन। बेसन को हम छान के लेंगे इस तरह से। इसको हम अच्छे से छान लेते हैं, सारे बेसन को इस तरह से छान के लेने से बेसन बहुत ही हल्का हो जाता है और वो बहुत सॉफ्ट ढोकला बन के तैयार होता है। तो मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। ये सारा बेसन हमारा छन के बाउल में आ गया है। ये देखिए बहुत ही हल्का हो जाता है बेसन छानने के बाद। इसको ज़रूर छानें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 पिंच हल्दी। ये कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने 1 कप बेसन लिया था, 1 कप पानी लिया है। इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसको गीला नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें इसे। और ये 1 कप बेसन में 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इस तरह का बैटर हमारा बन के तैयार होगा। तो हम इसे 3 से 4 मिनट इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाता है ये। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट लगातार फेंटना है। तो ये देखिए काफ़ी हल्का हो गया है। बहुत ही हल्का होने के बाद ये देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो हमें इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब 10 मिनट बाद देखेंगे बेसन बहुत ही अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल बहुत ही हल्का हो जाता है ये। जब हम इसको इस तरह से चलाते हैं तो काफ़ी हल्का हो जाता है। ये देखिए इसका जो बैटर है तो इस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा हमें इससे गाढ़ा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है ढोकला बनाने के लिए। और अब हम लेते हैं एक कोई सा भी थाली लीजिए या कोई आप इस तरह से बर्तन लीजिए, इसके ऊपर से हम ढोकला बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसे तेल से इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं, चारों तरफ से तेल लगा लेते हैं। जब ढोकला हम इसके बनने के बाद निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बर्तन से। तो हमें इसे 1 से 2 मिनट और फेंट लेते हैं, इस बेसन का घोल है जो। और अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे इस तरह से। 1 से 1.5 चम्मच डालना है नींबू का रस और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बेकिंग सोडा नहीं है आप इसकी जगह इनो पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से 1 से 1.5 मिनट इसे मिक्स करेंगे और ये बेसन हमारा फूलने लग गया है। ये देखिए काफ़ी हल्का हो गया है और काफ़ी फ्लफी हो गया है। तो इसको हम अब इस तेल लगाए हुए बर्तन में डाल देते हैं और हमें फटाफट से डालना है इसे। और ज़्यादा देर तक हमें इसे बेकिंग सोडा डाल के रखना नहीं है। और एक बार इसे अच्छे से हिला के टैप कर लेते हैं, जो इसके अंदर हवा होती है वो निकल जाए। और इधर मैंने एक पुराने पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा था और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। तो इसके ऊपर से हम ये ढोकला रख देंगे इसे स्टीम होने के लिए। तो पानी अच्छे से गर्म हुआ है और अब हम इसे ढक के पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। 15 से 16 मिनट हम इसे पकने देंगे। 15 से 16 मिनट बाद देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा ढोकला बन के तैयार होता है। तो एक बार हम चाकू डाल के इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाकू बिल्कुल साफ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा चाकू में। तो हमारा ढोकला बन के तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, गैस को बंद कर देंगे। और इसके लिए हम बना लेंगे तड़का। एक तड़का पैन लेते हैं, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। 1 छोटी चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। और राई अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 इस तरह से लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। और
आठ से दस कड़ी पत्ते डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला है तो मिक्स कर लेते हैं एक बार सारी चीज़ों को इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से उबलने देंगे 3 से 4 मिनट तक। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे अच्छे से उबलने देंगे। हम इसमें चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और आप चीनी डालते हैं तो इस टाइम पर इसमें एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। ये अच्छे से तड़का उबल गया है और ये देखिए गैस को हम कर देंगे बंद। ये बहुत ही अच्छे से हमारा तड़का बन के तैयार हो गया है। और इधर हमारा ये ढोकला भी ठंडा हो गया है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, एक चाकू की हेल्प से इस तरह से किनारे को इसको अलग कर लेंगे और इस तरह से छुड़ा लेंगे। अब हम इसके ऊपर से एक प्लेट रखेंगे और प्लेट के ऊपर हम इस ढोकले को निकाल लेते हैं इस तरह से। हल्का सा ऊपर से मारेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है हमारा ढोकला। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बन के तैयार भी हुआ है। और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए इतना सॉफ्ट हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको अपने मन पसंद पीसीज में काट लेते हैं। ये देखिए काटने से पता चला कि कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो इसे फटाफट से हम इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इस तरह से इसे काट लिया है। तो अब हम इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में काट सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ये बनाए हुए तड़के को डाल देते हैं इस तरह से। फटाफट सारा तड़का इसके ऊपर डालेंगे। गर्मा गर्म ढोकला बन के हमारा तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ढोकला बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर